Hey guys, welcome back to another video. So, जैसे कि आप सबको पता है कि Redmi Note 10 series बहुत पहले launch हुई थी और ये काफ़ी interesting series थी. हर एक phone इनमें काफ़ी अच्छा value for money था और हर एक काफ़ी aggressively priced था. लेकिन अभी काफ़ी time हो चुका है, तो अभी time है Redmi Note 11 series का. लेकिन यार, सबसे पहले ये China पे जाएंगे. India में इनका variant थोड़ा अलग होने वाला है. मतलब basically यही phones India में कोई और नाम से आ सकते हैं. India में जो Note 11 series आएगी वो थोड़ी different होगी. तो आज के video में हम China की Redmi Note 11 series के बारे में बात करेंगे. इसके अभी तक दो फोन लीक हुए हैं, Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro. इन दोनों फोन्स के बारे में फुल लीक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में. तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना. एंड नाउ वी आर फेडिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले टाइम वेस्ट ना कि Redmi Note 11 के बारे में बात कर लेते हैं. इस बार इसके अंदर आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले. चाइना का जो Redmi Note 10 था उसके अंदर भी आपको LCD मिलता था, इंडिया में AMOLED मिलता. तो इंडियन वेरिएंट में थोड़े बहुत चेंजेस आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे तो 120 हर्ट्ज का LCD पैनल मिलेगा, साथ साथ मिलेगा MediaTek का Dimensity 810. और Dimensity 810 इस प्राइस पॉइंट में देना काफ़ी बड़ी बात है. प्राइसिंग के बारे में तो बात डेफिनेटली करेंगे, उसी लिए तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना. साथ साथ कैमराज के बारे में बात की जाए तो 50 MP का आपको मेन कैमरा मिलेगा. वो सैमसंग का जो J1 बजट सेंसर है जो कि Redmi 10 Prime में भी यूज़ किया जाता है, तो उसी को यूज़ करेंगे. उसके साथ आपको 8 MP का एक जो अल्ट्रा वाइड मिलेगा. अल्ट्रा वाइड थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं. साथ 2 MP का वही डेप्थ कैमरा मिलेगा. साथ बात की जाए तो सेल्फी की, तो उसके अंदर आपको 16 MP का एक जो सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है. सेल्फी के बारे में तो बात कर लिया, अब बात करते हैं बैटरी के बारे में. 5000 mAh बैटरी अलॉन्ग विद 33 W फास्ट चार्जिंग. तो एक डिसेंट सा पैकेज बन जाता है. प्राइसिंग के बारे में बात करें तो लीक्ड प्राइसिंग ये कह रहा है कि अराउंड 15,000 के आएगा. और अगर ये फ़ोन सच में 15,000 के आसपास आता है देन आई शुड डेफिनेटली से इट इज़ अ प्रीटी गुड ऑप्शन. LCD को छोड़ के अगर बाकी स्पेसिफिकेशंस देंगे, स्पेशली Dimensity 810, इस प्राइस में देना काफ़ी बड़ी बात है. साथ साथ इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर मिलने वाला है, आपको मोस्ट प्रॉब्ली प्लास्टिक बैक मिलेगा. और साथ बेसिकली आपको मिलना चाहिए MIUI 12.5 एनहांस्ड एडिशन आउट ऑफ द बॉक्स रनिंग ऑन Android 11. Android 12 दे रहे तो काफ़ी मज़ा आ जाता, लेकिन नो प्रॉब्लम क्योंकि नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है. मतलब नवंबर के एंड के आसपास ये चाइना में लॉन्च होने वाले. इंडिया में कोई और नाम से लेटर आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, चाइना में नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाले हैं. और अब बात कर लेते हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में. Redmi Note 11 Pro के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसका अंदर जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज़ का एक AMOLED डिस्प्ले. हाँ जी, वही डिस्प्ले जो कि Redmi Note 10 Pro में था वो भी इंडियन वेरिएंट्स में. लेकिन Redmi Note 10 Pro की चाइनीज़ वेरिएंट की बात की जाए तो उसके अंदर आपको मिलता था 120 हर्ट्ज़ का LCD डिस्प्ले, तो उसी को इस बार अपडेट करके 120 हर्ट्ज़ ओल्ड डिस्प्ले दे दिया गया है. तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है. 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलने वाला है. आपको MediaTek का Dimensity 925G प्रोसेसर मिलेगा. और ये प्रोसेसर Dimensity 810 से थोड़ा बेटर डेफिनेटली है, लेकिन Snapdragon 768G के आसपास ही रहता है. थोड़ा वीक में डेफिनेटली कहूँगा Snapdragon 768G से. जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट Snapdragon 750G से थोड़ी ऊपर है. Snapdragon 768G से थोड़ा वीकर है या एटलीस्ट उसी के आसपास जाता है. तो जी हाँ, इसको Snapdragon 778G से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी बेटर वर्सन बन जाता है इसके रेस्पेक्ट में. साथ आपको कैमरा के बारे में बात की जाए तो 108 MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलने वाला है. अब ट्रिपल रियर कैमरा मतलब 108+8+5. जी हाँ, इसके अंदर आपको 5 MP का टेली मैक्रो कैमरा भी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है. Xiaomi का टेली मैक्रो वन ऑफ द बेस्ट टेली मैक्रो कहलाया जाता है. साथ सेल्फी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको 16 MP का मिडिल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है. और इसकी बैटरी की अगर बात की जाए तो वही 5000 mAh बैटरी इसके अंदर भी मिलने वाला है. लेकिन स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर आपको मिलेगा 67 W फास्ट चार्जिंग, जो कि पोको F3 GT यानी Redmi K40 के एनहांस्ड एडिशन के अंदर में था. तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाती है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है. बात कर लेते Redmi Note 11 Pro Max के बारे में, कुछ भी ज़्यादा कुछ लीक्स नहीं आए, लेकिन जो भी लीक्स आए वो मैं बता दे रहा हूँ. लेटेस्ट लिखे कि इसके अंदर मिलेगा Xiaomi का 120 W का फास्ट चार्जिंग. जी हाँ, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स में आपको डेफिनेटली पता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. लेकिन एक क्वेश्चनेबल बात है कि प्रो मैक्स नाम का मॉडल चाइना में कभी लॉन्च ही नहीं होता. तो ये प्रो मैक्स के लीक्स कहाँ से आ रहे मुझे नहीं पता, मुझे जो मिला मैं आपको बता रहा हूँ. तो मुझे नहीं लगता प्रो मैक्स एग्जिस्ट करता है चाइना में. इंडिया में जरूर आएगा, इंडिया में ये सब AMOLED डिस्प्लेस के साथ ही आएंगे. लेकिन क्योंकि Xiaomi को पता है कि इंडिया में लोग IPS फोन के ही कैसे घबरा जाते हैं. एनीवेज, वो तो एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है. और Redmi Note 11 Pro चाइनीज वेरिएंट की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए अराउंड 16,000-17,000 से स्टार्ट होने वाला है और ये 21,000 तक जाने वाला है. प्राइसिंग देखा जाए दोनों की काफ़ी अच्छी, ये रिब्रांड होकर पोको वगैरह फोन के नाम से लॉन्च डेफिनेटली हो सकते हैं मुझे जो लगता है. और एनीवेज, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है. अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.